हेलो फ्रेंड, पूर्णा ढाबा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, व्रत के दिनों में हम बाहर से मीठा लाकर खाना पसंद नहीं करते हैं। आज मैं आपको कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर मखानों की ऐसी कतली बनाना बताऊंगी जिसे बनाना इतना आसान है, साथ ही साथ आप उसे कई दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। मखाने की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने ये 1 कप मखाने लिए हैं। ये नाप में लगभग 100 ग्राम के करीब मखाने हैं। अब गैस पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें हम अपने मखानों को डाल देंगे और हमें इसे हल्की आंच पर बिल्कुल ड्राई रोस्ट करना है। फ्रेंड्स, मखानों को जितनी हल्की आंच पर आप ड्राई रोस्ट करेंगे ये अंदर तक पक जाएंगे, नहीं तो ये अंदर से सीले रह जाते हैं और बाहर से बिल्कुल करारे हो जाते हैं, इसलिए इन्हें बिल्कुल हल्की आंच पर ही हमें ड्राई रोस्ट करना है। 5 से 7 मिनट के बाद ही इन्हें हाथ से तोड़ने पर ये आराम से टूटने लगेंगे। देखिए कितने आराम से ये टूट रहे हैं। अभी इन्हें थोड़ा सा हम और ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और ये देखिए मेरे मखाने अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और अपने मखानों को निकालकर एक बाउल में रख लेंगे। इन्हें हमें पूरी तरीके से ठंडा करना है। अब इसी पैन में मैंने ये थोड़े से बादाम लिए हैं। अगर आप बादाम का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह काजू भी ले सकते हैं और बादाम को भी अच्छे से हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और इन्हें भी हमें बिल्कुल हल्की आंच पर ही ड्राई रोस्ट करना है। थोड़ी देर में देखिए मेरे बादाम भी अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं। अब इन्हें भी हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। और इसी पैन में मैंने ये 1 कटोरी डेसिकेटेड नारियल लिया है, ये भी इसमें डालकर हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। नारियल भी अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और सभी चीज़ों को बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। अब मेरे मखाने बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। मैंने एक मिक्सी के जार में अपने मखानों को ले लिया है और इन्हें बंद करके हम बिल्कुल महीन पीस लेंगे। देखिए मैंने अपने मखानों को बिल्कुल महीन पीस लिया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी मिक्सी के जार में मैं अपने बादाम ले लूँगी और बादाम को हमें पल्स पर बार बार बंद और ऑन ऑफ करके पीसना है। एक साथ पीसने पर बादाम में से ऑयल निकल आता है, इसलिए फ्रेंड्स इसे पल्स पर बार बार ऑन ऑफ कर ही पीसिएगा। और ये देखिए मेरे बादाम भी बिल्कुल महीन पिस गए हैं। अब इसे भी मखानों के साथ हम मिक्स कर देंगे, साथ ही साथ जो हमने अपना डेसिकेटेड नारियल भुना था उसे भी मिक्स कर देंगे। तीनों चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब उसी पैन में मैंने 1 कप ये दूध ले लिया है। फ्रेंड्स, ये मैंने दूध अभी थोड़ी देर पहले खौलाया था इसलिए मैं इसे ज़्यादा खौला नहीं रही हूँ। अब इसी दूध में मैंने 1 कप चीनी ले ली है, ये इसमें डाल देंगे। नाप के अनुसार ये 50 ग्राम चीनी है और दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपका दूध ठंडा हो तो आप उसे पहले खौला लें और फिर इसमें डालें। दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए दूध में चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसमें से मैंने 1 चम्मच इलायची पाउडर लिया है, ये इसमें डाल देंगे।
और अब इसमें हमने जो मखाने का मिक्सचर बना के रखा था उसे धीरे धीरे डाल देंगे और लगातार चलाते हुए इसे मिलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, इस समय हमें स्पैचुला को तेज़ी से चलाना है वरना इसमें बहुत जल्दी गांठें पड़ जाती हैं। और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से पैन नहीं छोड़ने लगता है। बस 5 से 7 मिनट में ही हमारी मखाने की बर्फी बनकर तैयार हो जाएगी। और ये देखिए हमारा मिक्सचर कितना गाढ़ा हो गया है। मखाने बहुत जल्दी दूध को सोख लेते हैं और ये देखिए कितनी जल्दी इसने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है। बिल्कुल अच्छे से हमारा चिपकने वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है। अभी इसे हमें थोड़ी देर और भूनना है। फ्रेंड्स, ये कतली इतनी अच्छी में इतनी टेस्टी होती है, साथ ही ये प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होती है, इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही इन्हें बनाकर रख लीजिए। अगर आप पूरे व्रत रहते हैं तो सुबह में एक कतली खाने से ही आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगा। अब मैंने एक थाली पर थोड़ा सा घी लगाकर उसे ग्रीस कर लिया है और गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और अपनी बर्फी को इस प्लेट में डाल देंगे और इसे चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। देखिए कितने आराम से मेरी मखाने की बर्फी बनकर तैयार हो गई है। चारों तरफ एक से अच्छे से फैला देंगे। अपनी इस बर्फी के ऊपर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा वीडियो मेरा कैप्चर होने से रह गया था, इस पर मैंने थोड़े से कटे हुए बादाम और पिस्ता से गार्निश कर दिया है। अगर आप और किसी चीज़ से भी गार्निश करना चाहते हैं जैसे डेसिकेटेड नारियल या फिर सिल्वर फॉयल, उससे भी आप इसे गार्निश कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट तक ठंडा होने के बाद हम अपनी बर्फी को अच्छे से काट लेंगे। आज मैंने इसे स्क्वायर शेप में ही काटा है, आप चाहें तो इसे डायमंड शेप में भी काट सकते हैं। और ये देखिए कितने आराम से मेरी बर्फी के पीस निकल कर बाहर आ रहे हैं। एक बर्फी तोड़कर देखने पर देखिए ये कितनी सॉफ्ट बनी हुई है, हाथ से एकदम बिल्कुल मुंह में जाते ही घुलने वाली कंसिस्टेंसी में है। अब इसी तरीके से हम अपनी सारी बर्फी को निकाल कर बाहर कर लेंगे और देखिए कितने अच्छे से पीसेस बाहर आ रहे हैं। सारे पीसेस ऐसे ही निकाल कर हम बाहर कर लेंगे और एक प्लेट में रख लेंगे। ये देखिए मैंने अपनी सारी बर्फी को निकाल कर बाहर कर लिया है और ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी बर्फी बनी हुई है। इस एक बर्फी से ही हमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम मिलता है, इसलिए फ्रेंड्स नवरात्रि शुरू होने से पहले ही इन्हें बनाकर रख लीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें।